लोहरदगा जिला के डीटीओ अमित कुमार बेसरा ने माइंस एरिया में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरपाट का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पाया गया कि विद्यालय में दो सहायक शिक्षक और एक पारा शिक्षक कार्यरत हैं। भवन की स्थिति बेहद जर्जर है, प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है। माइंस नजदीक होने के कारण दिन भर बच्चे धूल खाने को विवश हैं। माइंस एरिया में ब्लास्टिंग के कारण धूल और दूसरी परेशानियां भी होती हैं, जिस पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि माइंस संचालकों को विद्यालय के विकास और यहां की जरूरतों को पूरा करने को लेकर सामाजिक दायित्वों के निर्वहन करना चाहिए। पेयजल साफ सफाई, नियमित रूप से पानी का छिड़काव, भवन की मरम्मत सहित अन्य आवश्यकताओं को लेकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्थानीय समस्याओं से भी रूबरू हुए। एक डुमरपाट जगह है, उस जगह पे विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरपाट, और वहाँ पे हमने है जो कि बच्चों के साथ बात किया है और वहाँ के उपस्थित शिक्षकों के साथ बातचीत की है। तो बातचीत के दौरान है जो कि पता चला है कि अक्सर है जो कि माइंस में है जो कि ब्लास्टिंग या फिर है जो कि वहाँ पे परिवहन या परिचालन जो चलता है उसके कारण काफ़ी धूल है जो कि उड़ते हैं, और उस धूल उड़ने के कारण है जो कि बच्चों को है जो कि थोड़ा तकलीफ होता है सांस लेने वगैरह में। तो बार बार है जो कि उन लोगों के द्वारा बोला गया है कि रास्ते में है जो कि पानी का छिड़काव किया जाए। ये है जो कि कमी रही है कि वो लोग पानी का छिड़काव नहीं करते हैं, जिनके कारण बच्चों को तकलीफ होती है। तो हमने है जो कि इस संबंध में जीएम से भी बात किया था, हिंडालको के जीएम से, और उन लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि कम से कम है जो कि पानी का छिड़काव हो ताकि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के दौरान धूल की जो समस्या है वो धूल की समस्या ना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।